फ्रेंड्स पहला प्रोविजन देखते हैं बस। सेट टू, सेट वन हमने कंप्लीट कर लिया था और सेट टू का पहला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो सेट टू देखते हैं हम क्या है हमारा। 36 क्वेश्चन नंबर है, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस ऑफ 4 मीटर लॉन्ग एयर कोर्ड सनलाइट विद द सनलाइट हैज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जो सेट टू है उसमें पहले शुरू में सेट वन लिख दिया है, वो बाई मिस्टेक हो गया है और उसमें मॉर्निंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, वो इवनिंग शिफ्ट का सेट है। देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन हमारे 0.064, ऑप्शन बी है 0.036। ठीक है, और ऑप्शन सी हमारा क्या है 0.045 और ऑप्शन डी हमारा 0.023। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वी नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट की वैल्यू होती है 1.45 × 10⁻⁷। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.25 × 10⁻⁶। अब आप इसको ना ये जो मी नॉट की मैंने सॉरी ये जो मी नॉट की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए क्योंकि इतनी जगह यूज़ होगी तो आपको अगर कैलकुलेशन ईजी करनी है, फास्ट करनी है क्योंकि 100 क्वेश्चन कर रहे होते 60 मिनट्स में, तो ये यूनिट एकदम लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, 1.25 याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है हमें सॉरी यहाँ पर मैं साथ एन की वैल्यू लिखना भूल गया हूँ। एन की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा क्वेश्चन लिखा ही नहीं मैंने, 0.02 है एंड हैज 60 टन्स। ठीक है, फुल क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो एन की वैल्यू 60 दे रखी है, हमें एरिया दे रखा है 0.02, लेंथ दे रखी है क्या 4 मीटर। तो कुछ नहीं करना है, पुट करना है 1.25 10 डेज माइनस 6 है। ठीक है, एन की वैल्यू 60 है तो स्क्वायर करेंगे 3600 हो जाएगा। ए की वैल्यू 0.02 है, एल की वैल्यू 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड हमारा कितना आता है, पॉइंट आएगा हमारा 0.0225। इसको अगर अप्रॉक्स करेंगे तो 0.023, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी मिलेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन मिली टेस्ला एट द सेंटर ऑफ द 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सेलुलॉइड इफ द सेलुलॉइड हैज 200 टर्न्स एंड कैरिंग अ करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो आपका पेपर सेट वन है या सेट टू में ही है सर, पिछले बता चुका हूँ। सेंटर में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है वो होती है क्या, वी नॉट इज इक्वल टू एन आई बाई एल होती है। ठीक है, एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर होती है। और एट द एच की बात करें, ठीक है, एट द एच हमारी क्या जाती है, बी नॉट इक्वल टू एन आई बाई टू एल। ठीक है, तो ये हो जाएगी इतनी। तो हमें सेंटर में पूछा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। बी नॉट की होती है 1.25 10 डेज माइनस 6, ठीक है, इंटू 200 इंटू आई की वैल्यू क्या दी है हमें 4 एम्पेयर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी 20 सेंटीमीटर 10 डेज माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 मिली टेस्ला। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला एक्टिंग पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क ऑफ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द रिम ऑफ द डिस्क इज 10 वोल्ट एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क इज 20 रेवोल्यूशन। ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ई वोल्टेज इंड्यूस होता है, इसको हम EMF भी कहते हैं, वो होता है E इज़ इक्वल टू बी ए ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ये रेवोल्यूशन जो है ना, रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखा है, तो ये हमें क्या दे रखा है, पर सेकेंड दे रखा है, ये ओमेगा दे रखा है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी मत करना क्योंकि मैं जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टू अटैम्प्ट जो मैंने सॉल्व किया था, मेरे साथ मिस्टेक क्या हो रही थी कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, पर सेकेंड दिखाई दे रहा था मुझे। ठीक है, मैं हर्ट्ज इसको बार बार ले रहा था और हर्ट्ज से उसको फिर ओवर में कन्वर्ट करके आंसर निकाला, तो आंसर रॉन्ग आ रहा था। तो मिस्टेक ये मैं जो मेरी जनरल मिस्टेक थी, वो इसको एज अ फ्रिक्वेंसी कंसिडर कर रहा था, यहाँ रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब हमें एंगुलर वेलोसिटी वो दे रखी है। ठीक है, रेवोल्यूशन दे रखी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, ई की वैल्यू गिवन है, देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट गिवन है,
और एरिया क्या, देखिए एरिया डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि दैट इज हो जाएगा हमारा कितना, 10 डेज माइनस 10 डेज 10 इंटू 10 डेज माइनस 2 मीटर, ठीक है, और ओमेगा हमें दे रखा है 20। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ पुट करना 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कितना दे रखा है यहाँ पर, जो कि हमें निकालना है, सॉरी ए दे रखा है पाई, ठीक है, 10 इंटू 10 रेज माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 20, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा हमें 15.9, ठीक है, 15.9 आ जाएगा बी, जो कि हमारा आंसर है। आंसर हम चेक करेंगे तो आंसर सी मिलेगा हमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, नेक्स्ट डिटरमाइन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 0.8 × 10⁵ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0.097 × 10⁵, ठीक है, तो ये हमारा है, तो उसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें निकालना है ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एम बाई एच होता है, ठीक है, एम हमें कितना गिवन है यहाँ, ठीक है, तो एम की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पर, 0.97 × 10⁵, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है तो 0.8 × 10⁵ ए एम, इनवर्स कट जाएगा, यूनिट लेस आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है हमारी ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, यूनिट लेस होता है, इतना लिख दीजिए बस, तो 0.97 × 10⁵ डिवाइडेड बाई करेंगे तो 0.8 × 10⁵ करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 1.21 के लगभग आएगा शायद, मैंने सॉल्व किया है तो 1.21 है शायद, हाँ ठीक है, इसका आंसर है 1.21, तो आंसर हमें मिल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल एरिया ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर विद अ 200 टर्न्स इफ द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू द कॉइल इज 1 सेकेंड, ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस क्या होता है, इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है, हमें पता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज होता है, और फाई के वैल्यू, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है, तो फाई को यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो एन इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी करेंगे, तो उसको अगर टी के रिस्पेक्ट, ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे क्या आएगा यहाँ पर, देखिए इसका क्या आएगा, बी ए साइन थीटा आएगा, ठीक है, बी ए साइन थीटा आ जाएगा, तो उसको अगर फिर वो करेंगे हम क्या, वैल्यू पुट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है, 200 गिवन है और बी की वैल्यू हमें 10 टेस्ला गिवन है, एरिया हमें 100 स्क्वायर सेंटीमीटर 10⁻⁴, अब राइट एंगल बोला है तो 90 डिग्री हो जाएगा, sin 90, ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा यहाँ पर 20, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई वी टी इज इक्वल टू 130 साइन 11 टी माइनस 20 व्हेन द वैल्यू इज टी इज इक्वल टू सॉरी यहाँ इक्वल टू 10 है, तो कुछ नहीं करना है इसमें हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी टी इज इक्वल टू हमें गिवन है, यहाँ पर टी की वैल्यू आप कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए, 10 पुट करेंगे तो 120 साइन कितना आ जाएगा, 110 − 20 दैट इज हमारा क्या आ जाएगा, 120 sin 90, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 120 हमारा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 130, ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए इस जेई में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो इतना टफ नहीं है, सम क्वेश्चन आर टफ बट इफ यू कंसीडर इफ यू मेजर पोर्शन चेक करें तो इतना टफ नहीं है, मगर प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि बहुत कुछ चलता है, फिर हम इजी क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, फिर आंसर में गलत हो जाता है, तो फॉर्मूले भी याद नहीं आते उस समय, तो
ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखना पड़ेगा अपना। क्वेश्चन आप 100 में से 100 ला सकते हैं टेक्निकल पोर्शन में, अगर 2018 में जैसा पेपर आप सेट बना था, अगर वैसे 2019 में ही बनेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट हैविंग आरएमएस वैल्यू 18 एम्पीयर। ऑप्शन है 25.46, 28.3, मतलब सही नहीं है बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, 33.34, 35.99। ठीक है, आरएमएस वैल्यू हमें गिवन है, आरएमएस वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, पीक वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, रूट टू इंटू आरएमएस। ठीक है, तो रूट टू से सिर्फ क्या करना है, इंटू करना है, आएगा हमारे 25 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ए ऑप्शन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सी फॉर 25 हर्ट्ज निकालना है। अगर एक्सी ऑफ इफ एक्सी इक्वल टू 30, ठीक है, 30 हमें दे रखा है, 30 ओम फॉर 100 हर्ट्ज दे रखा है। तो यहाँ देखिए एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc होता है, तो एक्सी हमें यहाँ दिया है 30 इक्वल टू 1/ω, ओमेगा क्या होता है, 2πf, ये होता है हमारा 2πf, एफ कितना दिया 100, तो ये कितना जाएगा 200π। ठीक है, तो 200π इंटू सी, तो सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 × 200π। ठीक है, एक्स सी इजकल टू यहाँ रख देंगे पुट ओमेगा सी, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2πf, एफ कितना है हमारा 25, यानी कि 50π। तो 50π इंटू सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है, जो हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या है, 1/50π इंटू 1/30π इंटू 200। ठीक है, तो उसको यहाँ से पाई कैंसिल कर देंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे 4, यानी कि 120। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सीरीज ऑफ आरएलसी सर्किट हैज़ अ कैपेसिटर इतना, इंडक्टेंस इतना, रेजिस्टेंस इतना, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालनी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो एफ आर इजकल टू 2π√LC। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है, 2 mH है, और C की वैल्यू है 0.01 mF। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पुट करना है 2π.018 × 10⁻¹, ये कैसे आया, मिली हेनरी मिली फैरेड, -3 -3 -6 हो जाएगा, इसके लिए 1/2π। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10⁻¹ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको उसको 1/ करके रखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा 10⁵/√360। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो 83 पॉइंट समथिंग आता है, 83.03 आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो नियरेस्ट वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 79.56 मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन एम्पीयर एट द हाफ आवर ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट इज 20 एम्पीयर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 20 एम्पीयर और हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है हाफ आवर का, तो आरएमएस वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या अगर आपके तो आई हाफ पावर इज इक्वल टू I₀/√2, 20/√2 करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो है 14.14। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस इतना, इंडक्टेंस इतना, रेजिस्टेंस इतना। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज का क्या होता है, 1/R√L/C। ठीक है, तो 1/75√L कितना है, 1 mH होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी फैराड होता है कैपेसिटेंस यूनिट और इंडक्टेंस की हेनरी होती है। ठीक है, तो 1 mH/0.01 mF, तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/75 × 100, यानी कि 10/75, यानी कि 2T, यानी कि 0.1333। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है हमें कि बैंडविड्थ अगर कोई डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज इन इंडक्टेंस होता है, डिक्रीज इन इंडक्टेंस, बैंडविड्थ को डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है,
अगला है, इट्स बैंडविड्थ डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और इट्स बैंडविड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एंड इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ओमेगा वाई बी होता है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर क्या है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ है। ठीक है, अब होता है क्या है, क्वालिटी फैक्टर होता है हमारा सीरीज का 1/r अंडर रूट एल बाई सी, मतलब ये क्वालिटी फैक्टर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि बैंडविड्थ जो हमारी है ये इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये डिक्रीज कर रहा होगा, तो बैंडविड्थ भी डिक्रीज कर रही है। तो इससे हमें क्या निकलता है रिजल्ट हमारा क्या है कि इफ आर डिक्रीजेज मीन्स बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ डिक्रीजेज। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी हमें मिलेगा, इट्स बैंडविड्थ डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो इसी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डायग्राम है हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, थ्री फेज हमें स्टार कनेक्टेड है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारा कितना है 200 वोल्ट है। ठीक है, ये हमारा वाटमीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। रीडिंग ऑफ वाटमीटर एंड एमीटर इज 1 kW एंड 10 A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालना, तो वी आई कॉस फाई पावर होता है, ठीक है, तो ये हमें लाइन दे रखे तो फेज दो कर लेंगे, तो 3 स्टार में करंट सेम रहती है तो 10 रहेगी। ठीक है, कॉस फाई हमें निकालना है और पावर हमें गिवन है, तो 1000 इज इक्वल टू 200/√3 इंटू 10 इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कॉस फाई स्क्वल टू कितना 0.5 इंटू √3, इसको इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 0.86, सॉरी 0.86 हमें मिल जाएगा। ठीक है, कॉस फाई हमारा जो भी हमारा होता है पावर फैक्टर, तो हमें आंसर मिल गया 0.86। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर द पावर ऑफ अ पॉलीफेज सिस्टम कंटेनिंग एन कंडक्टर्स। ठीक है, तो कितने वाट मीटर हमें जरूरत होती है, इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला है, अगर एन फेज है तो हमें n-1 वाट मीटर की जरूरत है, अगर थ्री फेज ठीक है तो हमें 2 वाट मीटर की जरूरत है, अगर हमारे 2 हैं तो 1 वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसका आंसर हमारा बी है। ठीक है, ये एक तरह का नोट है कि जब हम मेजरमेंट पढ़ते हैं उसमें नोट आता है कि अगर वो कितने वाट पॉलीफेज सिस्टम है हमारा है तो कितने वाट मीटर की जरूरत पड़ती है, तो उसमें n-1 होता है, उसका स्टेटमेंट यही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अपेरेंट पावर ऑफ अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम हैविंग अ फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट ऑफ 10 A। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज करंट इज 45 डिग्री। ठीक है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अपेरेंट पावर पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और यहाँ पर 45 डिग्री आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अपेरेंट पावर क्या होती है, हमारी ट्रू पावर होती है जो कि होती है √3 VL IL। ठीक है, तो √3 × 54.04, ठीक है, × 10 करेंगे, और ये फेज में है तो इसको √3 से फिर से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना जाएगा 7.62 kW। ठीक है, तो ऑप्शन सी है। KVA मत लगा देना, KVA हमारी क्या है, रिएक्टिव पावर हो जाती है। ठीक है, KVA पे नहीं जाना है हमें, या किलो वाट पे है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।